जब बात कॉस्ट की आती है, क्योंकि कहा जाता है कि इंडेक्स फंड में कॉस्ट जो है काफ़ी कम होती है, तो कितनी कम होती है कंपेयर्ड टू अगर मैं किसी रेगुलर इक्विटी फंड में जाऊं? सो इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है, जब वर्ड पैसिव यूज़ किया जाता है, तो आज हमारे एक्टिव फंड मैनेजर अगर कोई भी फंड को मैनेज करते हैं तो उसमें उनकी एक्टिव काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, सैलरी ऑफ फंड मैनेजर, पूरी रिसर्च टीम, इन केस ऑफ पैसिव वो सारे खर्चे एकदम कम हो जाते हैं। सो इस कारण से अगर आज इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, एक्टिव फंड्स, इक्विटी फंड्स 2-2.5% के बीच में जो उनकी कॉस्ट होती है रेगुलर फंड्स की, जो एक निवेशक को देना होता, निवेशक को देना पड़ता है, वही इंडेक्स फंड में वो गिर के 0.5% से 1% के बीच में आ जाती है। सो विच इज लाइक अ सिग्निफिकेंट 50-70% रिडक्शन। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.